फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ विशाली। सब लोगों का स्वागत है विशाली मित्रा की फैशन डोज पे। आज का वीडियो यार मज़ेदार होने वाला है। देखिए, मीशो से ना बहुत सारी कैटेगरी मैंने एक्सप्लोर कर ली, लेकिन इनरवेयर और कुछ एसेंशियल चीज़ें मैंने सोचा मीशो से मंगवा के देखते हैं। और ये वीडियो होने वाला है नॉन स्पॉन्सर्ड। अगर ये स्पॉन्सर्ड होता भी, तब भी ये जो रिव्यूज़ है ये मेरे अपने होते, जो मेरा एक्सपीरियंस रहता है जिस भी क्लोथिंग आइटम के साथ, जिस भी प्रोडक्ट के साथ, मैं बिल्कुल वैसे ही बोल देती हूँ। सो मेक श्योर इस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा स्टार्ट टू एंड। एंड अगर वीडियो पसंद आए या थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो मेक श्योर सब्सक्राइब का बटन हिट करके बेल बटन को हिट जरूर कर देना। फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। मीशो डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है एंड मेरा रेफरल कोड भी आपको मिल जाएगा फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। चलो, रैंडमली चीज़ें मेरे पास हैं, मैंने काउंट भी नहीं किए कितनी सारी चीज़ें हैं, तो फटाफट से पहले शुरू कर लेते हैं। जो भी चीज़ें मेरे हाथ में आती जाएंगी वो चीज़ें आपके साथ में शेयर करती जाऊंगी। फर्स्ट, दिस सॉक्स का पैकेट। कुछ चीज़ें पैक्ड हैं, कुछ चीज़ें अनपैक्ड हैं जो मैंने खोल ली थी। इसमें तीन सॉक्स का मुझे कॉम्बो मिला था, फोर। दिस वन इज ग्रे, वाइट, पिंक एंड एक स्किन कलर का है बिल्कुल लाइट, वो मैंने अभी पहन कर देखा था तो वो वॉश करने के लिए रखा हुआ है। मैं पिंक वाला आपको दिखाती हूँ। इस टाइप के ना मैंने बड़े, मतलब इंटरनेट पे ना ऑनलाइन शॉपिंग करते थे, मैं बहुत बार देखा बट कभी परचेज़ नहीं किया। जैसे ही मैंने मीशो पर देखा तो आई थॉट कि यार एक बार देखा जाए कि सेलर जेन्युइन है कि नहीं, आपको पीसेस जेन्युइन है कि नहीं। वैसे सिंथेटिक या नायलॉन सॉक्स आप बोल सकते हैं, बिल्कुल वही है। नीचे की तरफ जो ये स्टफ लगा हुआ है वो अच्छा लगा हुआ है, यहाँ एम्ब्रॉयडर्ड है, यहाँ पर मेश लगी हुई है। पहना हुआ बहुत सुंदर लगता है, बेलीज वगैरह के अंदर जब आप पहनते हो ना तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी रहता है, ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन दिखता है। अच्छी क्वालिटी है, मतलब आप इसको परचेज कर सकते हो। तो ये फोर का कॉम्बो है। सभी के कोड्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ और कमेंट में भी ऑलरेडी पिन कर चुकी हूँ, क्योंकि मीशो पर लिंक्स नहीं होते, सभी के कोड्स होते हैं। जो आउटफिट इस वक्त मैंने पहना हुआ है, इसका वीडियो ऑलरेडी जा चुका होगा या फिर इस वीडियो के बाद जाने वाला होगा, इसलिए बोल रही हूँ बेल बटन हिट करके रखा करो। ये जो नेक पीस मैंने पहना हुआ है ये वाला मीशो से ही है, तो इसका भी कोड मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। जो भी लोग मेरी वीडियो मिस कर देते हैं ना, वही सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिस कर देते हैं, फिर बाद में मुझसे पूछते हैं, मैं बता नहीं पाती। नेक्स्ट इज दिस सॉक्स अगेन। ये ना मुझे विंटर के सॉक्स लग रहे थे, ये ना जिप वाले, मतलब पहली बार मैंने जिप वाला सॉक्स देखा तो मैंने सोचा ये मंगवाते हैं। ये इस तरीके से है, मैंने आपके सामने पैकेजिंग खोली है। यहाँ पर ना एक जिप है और आगे से ना आपके, मतलब हाफ फीट के बाद आपकी एड़ी इसके अंदर आ जाती है। आगे भी स्ट्रेचेबल फैब्रिक है और यहाँ पर एक जिप दिया हुआ है जिससे ये रोल डाउन नहीं हो। मतलब काफ़ी सारे लोग ये चीज़ फेस करते होंगे ना, सॉक्स ऊपर पहन लो वो रोल हो जाता है। ये आई थिंक उस टाइम पर काम आएगा क्योंकि इसका फैब्रिक वैसा है जिसे आपको नी में पेन होता है या आपके मसल्स में पेन हो जाता है, तो वहाँ पर आप ना मूव या गर्म दवाई जो होती है ना वो लगाकर इसको आराम से पहन सकते हो, या फिर वैसलीन वगैरह लगा के भी इसको पहन सकते हो। मतलब ये सर्दियों में काम आने वाली चीज़ है और मुझे क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी, सो इसको भी आप 100% खरीद सकते हो। नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं स्टॉकिंग्स। एक्चुअली में मैंने एक स्टॉकिंग्स भी मंगवाए थे, वो अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुए हैं। वो जब भी मुझे रिसीव होंगे मैं आगे वीडियो में दिखा दूंगी आपको। ये वाले मैंने स्टॉकिंग मंगाया है, मैं इसको अभी पैकिंग से खोल ही रही हूँ आपके सामने। मे बी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपके सामने खोल रही हूँ। सो कई बार आपने बॉयफ्रेंड जीन्स पहनी होंगी या रिप जीन्स जो बहुत ज़्यादा एकदम कटी फटी होती हैं, उसके नीचे पहनने के लिए कई बार हमको चाहिए होता है, तो आप ये पहन सकते हो और भी ज़्यादा स्टाइलिश दिखता है। क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है, मैंने पहले भी इस तरीके के ख़रीदे हुए हैं स्टॉकिंग्स। सो ये देखिए इस तरीके का, आपने कोई विंटर में ड्रेस पहनी है, शॉर्ट ड्रेस, और आप थोड़े से कॉन्शियस फील करते हो, खाली लेग्स दिखते हैं तो अच्छे नहीं लगते, बट और भी ज़्यादा स्टाइलिश लगेंगे अगर आप इस टाइप का कुछ पहन लोगे। ये आई थिंक पैंटी के साथ है, आप इसको, यस, सॉक्स के साथ ये थोड़ा सा पैंटी एरिया दिया हुआ है, उसके साथ पहन सकते हो। सो अगर आप में से कोई भी ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हैं अफोर्डेबल प्राइस में, आप ले सकते हो, क्वालिटी अच्छी है। नेक्स्ट वो है एक ब्रा। मैंने एक ब्रा भी ऑर्डर की थी जस्ट चेकआउट करने के लिए। एक इनर वेयर और टमी टकर का वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पर किया हुआ है, यहाँ पर मैं थंबनेल दे रही हूँ। मेरा ब्लॉग चैनल है, जिन्होंने चेक नहीं किया है मेक श्योर इस वीडियो को भी चेक करना, इसमें बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। सो
यहाँ पर मैंने ब्रा ली है जिसके पीछे की साइड आपको तीन हुक्स मिल जाते हैं। इलास्टिक काफ़ी अच्छी है और उसमें ना मैंने देखा था आई थिंक साइजेस ना 42-44 तक थी। यहाँ पर इसे पीच कलर का है, नीचे डबल फैब्रिक लगा हुआ है और ऊपर की तरफ ना यहाँ मेश का डिज़ाइन है, मतलब कवर्ड ये फुल्ली कवर कर लेगा इतना मेरा अंदाज़ा है। यहाँ पर इलास्टिक बैंड है, मतलब एज इन क्वालिटी जो मैंने प्राइस पे किया उसके हिसाब से ठीक है। नेक्स्ट वाला जो कुछ एसेंशियल चीज़ें जैसे कि मैंने आपको कहा वाइट लेगिंग, अब वाइट लेगिंग बहुत जल्दी अच्छे फैब्रिक की नहीं मिलती है और ये एक्चुअली मुझे पॉकेट के साथ मिल रही थी तो मैंने सोचा कि यार इसको ट्राई किया जाए। यहाँ पर वाइड यानी कि चौड़ा बैंड है ऊपर और इसकी इलास्टिसिटी लुक एट दिस कितनी सही है और दोनों पॉकेट में इनफ स्पेस है, आराम से आप अपना फ़ोन रख सकते हो यार। और इसकी कॉटन लाइक्रा जैसी फैब्रिक होती है ना, जैसे लक्स लायरा एंड दूसरे ब्रांड्स में होती है कॉटन लाइक्रा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। 100% रिकमेंडेड। अभी के अभी इस कोड से जो भी कलर आप परचेज करना चाहते हो इस सेलर से डेफिनेटली बाय कर सकते हो। और इवन ये क्रॉप्ड लेगिंग है, नीचे से गैदर्स जिनको नहीं चाहिए होते, एक क्लीन लुक चाहिए होती है, वो तो डेफिनेटली इसको बाय करें। सो बहुत ही अच्छी लेगिंग मिल गई मुझे। नेक्स्ट कुछ बेबी डॉल एंड कुछ नाइटीज। उसमें फर्स्ट जो मैं आपके सामने खोल रही हूँ वो ये पिंक वाला पीस है जिस पर लिखा हुआ है स्टिकर पर फ्री साइज। इसकी मॉडल इमेज मैं आपको साइड पर दे रही हूँ एंड जो एकदम हॉजरी मटेरियल होता है ना, बिल्कुल वही वाला मटेरियल है। एंड आगे से ये कुछ इस तरीके से दिखती है, थोड़ा सा मेश का डिज़ाइन है और ये पूरी नाइटी काफ़ी अच्छी है। मतलब एज इन प्राइस के अकॉर्डिंग नीचे की तरफ भी थोड़ा सा लेसी डिटेल है, ऊपर ये जो बैंड्स हैं इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो। मतलब आप में से कोई ऐसा है जो ऐसी कोई एक्सपेरिमेंटल चीज़ें लेना चाहता है या एक बार ट्राई करना चाहता है, यार आप यहाँ कर सकते हो क्योंकि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है। तो ना अगर एक दो बार पहनकर जस्ट शौक पूरा करना है तब भी आप इनको ट्राई कर सकते हो। कलर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, सो दिस इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड, काफ़ी अच्छी रिसीव हुई है। नेक्स्ट बेबी डॉल इज़ दिस इन ब्लू कलर। मुझे कलर भी एक्चुअली में याद नहीं है मैंने कौन सा कलर मंगाया था, तो मे बी शायद ये ब्लू में होगा। सो ये तो बहुत ही सही लग रही है यार, ये एक्चुअली में सिर्फ वेट अ मिनट, ओके ये काफ़ी शॉर्ट एक श्रग सा लग रहा है मुझे, इट इज़ नॉट नाइटी और ये तो श्रग लग रहा है प्रॉपर मुझे। और यहाँ पर इसके साथ एक बेल्ट दी हुई है जो आप लगा सकते हो वेस्ट लाइन पर। इसका स्लीव, वेट अ मिनट मैं स्लीव भी चेक कर लूँ। ओके सो यहाँ पर इस वाले कोड पर जो मैंने जो भी ऑर्डर किया होगा उसकी मैं इमेज यहाँ पर दे रही हूँ। ये मुझे रिसीव हुआ है एज अ श्रग और ये काफ़ी शॉर्ट है, मतलब पहनोगे तो ये तो बहुत ही शॉर्ट है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बाकी कुछ ड्रेसेस ऐसी होती है ना स्ट्रैपी ड्रेसेस या फिर टॉप होते हैं उसके साथ मैं डेफिनेटली इसको एज अ श्रग पहन सकती हूँ। उसकी क्वालिटी और इसके ना जो मेश की सही में डिज़ाइन और क्वालिटी बहुत ही सही लगी मुझे, स्टिचिंग वगैरह। बट अगर मुझे ये कोड पे गलत भी रिसीव हुई है ना तो यार मेरा तो काम बन जाएगा, इसमें बड़ी सही चीज़ मिल गई मुझे। पैकेजिंग थी आपके सामने मैंने खोली है। सो नेक्स्ट वाला जो नाइटी है वो मैं आपको दिखाऊंगी। एक ना रेयॉन फैब्रिक की नाइटी मिली मुझे, सो मैंने ऑर्डर प्लेस किया। इसका पूरा आगे जो योक पार्ट है ये एम्ब्रॉयडर्ड है, देखिए ब्राउनिश काइंड ऑफ शेड है, आगे एम्ब्रॉयडरी का पार्ट है और इसमें मैंने अपना साइज़ XL प्लेस किया था। हालांकि नाइटीज़ में XL, XXL, XXL, 4XL आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से प्लेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको हाफ स्लीव मिल जाती है, लेंथ वगैरह इसकी पूरी है और एज अ प्राइस और नाइटी के डिज़ाइन के हिसाब से आप आराम से इसको ले सकते हो। 100% रिकमेंडेड, रेयॉन फैब्रिक में है। नेक्स्ट इज दिस पैक, ये है 6-पीस सेट और ये कंप्लीट पैक्ड है। लेट मी ओपन इट, मैं इसको खोल रही हूँ आपके सामने और देखती हूँ उसमें 6 पीसेज निकलते हैं या कितने। ये मैंने खोल दिया, वेट। इसका फर्स्ट जो पीस मैंने खोला है विच इज़ अ पैंट ब्लू कलर में, फुल्ली इलास्टिक है और इसका फैब्रिक काफ़ी स्ट्रेचेबल है, शाइनी। न्यू न्यू शादी हुई है आपकी, आप कुछ ऐसा ट्राई करना चाहते हो, पहला चीज़ ये पैंट मिला है। नेक्स्ट थिंग इज दिस टॉप जो कि सैटन काइंड ऑफ फैब्रिक है बट ये स्ट्रेचेबल है, नेक लाइन पर इस तरीके से ये मेश का डिटेल आएगा। ये आपको टॉप मिल जाता है। ये मैंने एक्चुअली ट्रायल वगैरह नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली मैं आपके सामने ये खोलकर दिखाना चाहती थी।
नेक्स्ट इज अ सेट ऑफ ओके, ये ब्रालेट की तरह तो लाइन नहीं लग रहा है मुझे, बट इसी तरीके से कुछ ब्रा का डिज़ाइन बनाया हुआ है, जस्ट थ्रेड्स लगा दी हैं, ब्रा का डिज़ाइन है. एंड ओके, दिस इज अ थॉन्ग स्टाइलिश पैंटी. सो ये पैंटी अगर इसको बोलते हैं तो, एंड ये ब्रा, ये दो पीस और मुझे मिले हैं. नेक्स्ट जो पीस इसमें मुझे रिसीव हुआ है विच इज़ दिस, मैं खोल रही हूँ, क्या ये ओके. मैंने तो सीरियसली ऐसी चीज़ें कभी नहीं पहनी. इसका धागा जुड़ा हुआ था ओके. ये नाइटी है, इस तरीके से स्ट्रैपी नाइटी है, आगे नेकलाइन पर मेश का डिज़ाइन है और ये साइड पर स्ट्रेचेबल है. इसका लेंथ भी लगभग मुझे, अगर मैं पहनूंगी तो उसको फ्लोर लेंथ आ जाएगा ब्लू कलर का, और इसकी क्वालिटी भी सही लग रही है मुझे. एज इन सिक्स पीसेज में जो प्राइस आप पे कर रहे हो उसके हिसाब से क्वालिटी परफेक्ट है. नेक्स्ट, किसी आप किसी वेबसाइट पर जाते हो तो यार इतने का ही मिलता है. नेक्स्ट और लास्ट ये पीस है मेरे पास, ये आई थिंक इसका ओवरकोट और श्रग होना चाहिए. यस, दिस इज़ ओवरकोट. ये आगे से स्ट्रैप्स भी हैं और ये नेकलाइन के पास जैसा कि मॉडल इमेज पर था बिल्कुल वैसा ही एक देखिए श्रग मिलेगा आपको. तो वन पीस, टू पीस, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स इज पैंट. तो सिक्स पीसेस का सेट मिले मुझे मिला है और सारा ही ओके ओके क्वालिटी में. आप आराम से इसको बाय कर सकते हो. इसमें और भी शेड्स अवेलेबल हैं, उसी कोड पर मिल जाएंगे. एंड नेक्स्ट और फाइनल इज साड़ी शेपवेयर. बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि साड़ी के साथ हम क्या पहने या फिर लहंगाज के साथ हम किस तरीके के शेपवेयर पहने, क्योंकि लहंगाज और साड़ीज में हमारा हाफ टमी दिख ही रहा होता है. साड़ीज़ के लिए आप ये वाला ट्राई कर सकते हो, बल्कि ये तो मुझे मतलब पेंसिल स्कर्ट ज़्यादा लग रही थी, मैंने साइड पर पहन कर दिखाया है. यहाँ पर आपको ना काफ़ी चौड़ा बैंड मिल जाता है, इसकी इलास्टिसिटी काफ़ी अच्छी है. प्लस मुझे क्या अच्छी चीज़ लगी, इसमें इस तरीके से नाड़ा दिया हुआ है ड्रॉ स्ट्रिंग, जिसमें आप एडजस्ट कर सकते हो. इसमें जब नाड़ा होता है ना, यानी कि ड्रॉ स्ट्रिंग होता है, तो आप हैवी साड़ीज़ को इस पर कैरी कर सकते हो. कई बार ऐसा होता है कि इलास्टिक पर हैवी साड़ी नहीं टिकती हैं, बट इसमें आप पहन सकते हो. और ये ना आपके बम अराउंड काफ़ी अच्छा फिट ले लेता है, और नीचे से ना ये फिश कट सॉर्ट ऑफ है. ये देखिए नीचे से ना इसकी कटिंग जो है फिश की शेप में, तो जब साड़ी में हम चलते हैं तो मुश्किल नहीं होती. कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि साड़ी शेपर नीचे से बिल्कुल पतला हो जाता है तो चलने में कोई दिक्कत तो नहीं आती. हालांकि मुझे उस वाले साड़ी शेपर में भी कोई दिक्कत नहीं आती, बट फिर भी मैं ये थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा था, इसको ट्राई करना चाहती थी. क्वालिटी वाइज अच्छा है, डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो. इवन मैं आपको एक जो टमी टकर और बॉडी शेपर होता है जो कि इमेज में यहाँ पर दे रही हूँ, इसका जो रिव्यू है मैंने प्रीवियस वीडियो में कर दिया है, जिसको मैंने लिंक कर दिया है जो व्लॉग चैनल पर है. इसको आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो, ये 100% रिकमेंडेड है. मैंने काफ़ी टाइम तक यूज़ किया है, ट्रस्टेबल प्रोडक्ट है और आपकी 1 से 2 इंच जस्ट स्लिम कर देता है बॉडी को. स्लिम कर देता है एज इन आपके जो बल्जेस हैं, जो स्किन लटक रही है, जब भी आप शेप वेयर या टमी टकर पहनते हो वो जस्ट उसको एक शेप देता है, एक मेंटेन कर देता है शेप. वो लटका हुआ स्किन नहीं शो होता, वो एक स्कल्प्टेड बॉडी की तरह दिखने लगता है. दैट्स इट. टमी टकर्स और बॉडी शेपर्स इतना ही करते हैं आपकी बॉडी के लिए. वो आपके कोई इंचेस लॉस नहीं करते, वो आपका वेट लॉस नहीं करते. ऐसा कोई जादू नहीं हो जाता कि आपके 2 to 3 inches गायब हो जाए. हाँ, हाफ इंचेस, वन इंच तक वो एकदम स्कल्प कर देता है ना, तो पहना हुआ आपका आउटफिट बहुत सुंदर लगता है. ये भी आप कुछ टाइम के लिए पहन सकते हैं, बहुत लंबे टाइम तक मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप बॉडी शेपर्स पहने. कहीं कोई पार्टी है, फंक्शन है, स्पेशल ओकेजन है या कोई स्पेशल ड्रेस आपको पहनना है, बस उसी टाइम पर पहनिएगा. कैसा लगा आज का वीडियो और इससे आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं, मुझे डेफिनेटली कमेंट करके ज़रूर बताना. ऐसा कंटेंट और ज़्यादा देखना चाहते हो उसके लिए भी कमेंट करना बहुत ज़रूरी है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अमेजिंग वीडियो आइडियाज़ के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. बाय.